जोहार साथियों, आज हम इंडियन रोबिन हुड के नाम से मशहूर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो टंटिया भील के इतिहास को लेकर नहीं है, आज हम सिर्फ इस बात का जिक्र करेंगे कि जिस वीर टंटिया भील को अंग्रेज़ों की सेना, राजे रजवाड़ों की सेना मिलकर भी नहीं पकड़ पा रही थी, आखिर उस आज़ाद भील टंटिया को किस तरह अंग्रेज़ों ने धोखे से पकड़ा और किसने पकड़वाया। जिसके कंधे पर हर समय बंदूक टंगी रहती थी, रफ्तार तो ऐसी थी कि पलक झपकते ही टंटिया गायब हो जाता था। गरीब लाचार मजदूरों, किसानों व आदिवासियों के दुखों को दूर करने वाले इस वीर के साथ किसने विश्वासघात किया और क्यों रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमेशा के लिए काला धब्बा लग गया। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो इन दो किताबों को पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पहली किताब है जननायक टंटिया भील, जिसके लेखक है बाबा भांड, इसके पृष्ठ संख्या 117 पर, तथा दूसरी किताब है टंटिया भील द ग्रेट इंडियन मूनलाइटर, इसके लेखक है सुभाष चंद्र कुशवाहा, इसके पृष्ठ संख्या 94 पर लिखा है कि 16 साल से साहूकारों, जमींदारों, राजा रजवाड़ों व अंग्रेज़ों से लड़ता ही रहा। इतने लंबे संघर्ष के विकट दिनों में भी वीर टंटिया भील जंगलों में ही रहा, कभी भी चैन की सांस नहीं ली, हमेशा दिन रात संघर्ष करता रहा। अब टंटिया भील की उम्र 46 वर्ष हो चुकी थी, शरीर भी कमज़ोर पड़ गया था। उसके सहयोगी साथी भील लड़ाके तन मन से अपने अगुए टंटिया भील के साथ थे। 16-17 सालों से टंटिया ने जमींदारों, अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था। अंग्रेज़ों व जमींदारों में टंटिया भील का हर समय खौफ बना रहता था। टंटिया भील का एक परम मित्र था गणपत सिंह राजपूत, जिस पर टंटिया भील बहुत ही विश्वास करता था, और उस गणपत सिंह राजपूत की पत्नी को टंटिया भील मुँह बोली बहन कहता था। टंटिया भील इस गणपत सिंह राजपूत के घर आता जाता रहता था। ये गणपत सिंह राजपूत बाणेर गांव का रहने वाला था। टंटिया भील को पकड़ने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा पैसों का इनाम भी रखा हुआ था। एक दिन टंटिया भील के मित्र गणपत सिंह राजपूत के मन में आया कि अंग्रेजी सरकार टंटिया भील को दिन रात ढूंढती फिरती है और उस पर एक बड़ा इनाम भी रखा है, क्यों ना मैं इस अंग्रेज़ी अफसरों से मिलकर टंटिया भील को पकड़ा दूँ, जिससे मुझे बड़ा पैसों का इनाम भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और इन गोरों में मेरी इज्जत भी हो जाएगी, मैं भी एक अमीर बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। इस नीच सोच को मन में रखकर गणपत सिंह राजपूत थानेदार मनजीत सिंह से जाकर गुप्त रूप से मिला और थानेदार मनजीत सिंह से कहा कि मैं टंटिया भील का परम मित्र हूँ, टंटिया भील मुझ पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं, मैं अंग्रेजी सरकार की मदद करके टंटिया भील को पकड़ा दूं तो मुझे सरकार की तरफ से क्या मिलेगा। थानेदार मनजीत सिंह गणपत राजपूत की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ऐसे ही टंटिया के विश्वासी आदमी की तलाश में थी, जिसे वो अपना जासूस बनाकर आसानी से टंटिया भील को पकड़ सके, क्योंकि अंग्रेजी सरकार हर बार टंटिया भील को पकड़ने में विफल रही थी। इस बार तो टंटिया का खास आदमी सामने से चलकर आया था। तब थानेदार मनजीत सिंह ने गणपत राजपूत से कहा कि यदि टंटिया को आप पकड़वा लेते हो तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके ये बड़ा इनाम आपको दिलाऊंगा और सरकार में आपको नौकरी मिलेगी तथा आपको बीच बीच में इस जासूसी के लिए पैसे भी मिलते रहेंगे। इस प्रकार की बात करके गणपत खुशी खुशी अपने घर आया और बड़े बड़े सपने देखने लगा, तथा अब गणपत राजपूत ने टंटिया भील से और भी अधिक मेल मिलाप बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों में गणपत सिंह ने अंग्रेजी फौज को टंटिया के ठिकानों की सूचना एक दो बार दी, पर बहादुर टंटिया उनके हाथ नहीं लगा। गणपत सिंह राजपूत ने सोचा कि ऐसे तो टंटिया भील फौज से पकड़वाएगा नहीं, क्योंकि टंटिया बहुत ही होशियार व तेज है। इस प्रकार इसको पकड़ने के लिए एक विशेष दिन व खास योजना की जरूरत पड़ेगी।
तभी गणपत सिंह राजपूत को याद आया कि टंटिया मेरी पत्नी को बहन कहकर बुलाता है और हर साल राखी बंधवाने मेरे घर आता है। और उस महीने की 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था। गणपत ने सोचा क्यों ना इस रक्षाबंधन के दिन मेरे ही घर टंटिया भील को पकड़वा दिया जाए, क्योंकि वो हर साल रक्षाबंधन के दिन मेरे घर जरूर आता है। इस प्रकार ये योजना बनाकर गणपत सिंह राजपूत 7 अगस्त यानी रक्षाबंधन से 3 दिन पहले ये अपनी योजना थानेदार मनजीत सिंह व मेजर श्री प्रसाद को सुनाई। गणपत राजपूत ने ये अपनी पूरी योजना पुलिस को सुनाई तो पुलिस अधिकारी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने जासूस गणपत सिंह राजपूत को कहा कि अगर इस बार टंटिया को तूने नहीं पकड़वाया तो हम तेरा बुरा हाल करेंगे। पर गणपत ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब की बार रक्षाबंधन पर मेरे घर जरूर पकड़ाऊँगा। इस प्रकार पुलिस से बात करके गणपत अपने घर की ओर लौट गया। पीछे पुलिस ने अच्छे अच्छे घुड़सवारों व तकड़े हष्टपुष्ट जवानों की हथियारबंद एक टुकड़ी तैयार की और उसको गणपत राजपूत के गांव बाणेर की तरफ रवाना कर दी। ये पुलिस की फौज छुपते छुपते 10 अगस्त यानी रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व गणपत के घर पहुंच गई। उसके दूसरे दिन 11 अगस्त 1889 रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जल्दी गणपत ने अपनी पत्नी को कहीं आसपास अपने रिश्तेदारों में भेज दिया। बरसात का समय चल रहा था, रात दिन बरसात हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जिन झोंपों में फौज छुपकर बैठी थी उनमें भी ऊपर से बरसात का पानी टपक रहा था। सुबह से लेकर शाम तक गणपत व पूरी फौज टंटिया भील का इंतजार करती रही। फौज भूखी प्यासी पूरे दिन परेशान होती रही। पूरा दिन निकल चुका था। गणपत राजपूत को मन ही मन डर लगने लगा कि यदि आज टंटिया भील नहीं आया तो ये परेशान फौज मुझे नहीं छोड़ेगी। अब फौज को भी लगने लगा कि टंटिया भील नहीं आएगा। पर गणपत ने जैसे तैसे करके कुछ समय और इंतजार करने के लिए कहा। अंधेरा हो चुका था। टंटिया भील अपने रघु कोरकू व नानकू आदि 7 साथियों के साथ हथियार बंद रात के अंधेरे में बरसाती बाधाओं को झेलते हुए जंगल के रास्ते नदी को तैरते हुए अपने साथियों के साथ रात 10 बजे गणपत के घर के सामने जा खड़ा हुआ। गणपत ने अचानक रात 10 बजे टंटिया को देखकर अचंभित हो गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होने लगा। तभी टंटिया ने गणपत से बोला, मैं हर राखी पूर्णिमा को तेरे घर आता हूँ, देख इस बार भी आ गया। आप मेरे प्रिय मित्र हो, इस कारण देर से ही सही पर मैं आ गया। बाई कहाँ है, यानी कि बहन कहाँ है, मुझे राखी बंधवानी है। तभी गणपत दबी दबी आवाज़ में लड़खड़ाता हुआ बोला कि वो तो घर पर नहीं है। टंटिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को शांत करके वो गणपत के घर के गेट पर ही बैठकर मस्ती से चिलम जलाने लगा। बरसात का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। टंटिया भील सफ़र का थका हुआ था, वो सुकून से वहीं बेफिक्र होकर बैठा रहा। तभी चालाकी से गणपत ने टंटिया के कुछ साथियों को इधर उधर भेजकर टंटिया से दूर कर दिया। टंटिया भील बिना किसी शक शबा के गणपत से बातें करने लगा। गणपत सिंह उससे बातें करते हुए कहने लगा कि आप बहुत थक गए होंगे, रात भी बहुत हो चुकी है, अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। और गणपत ने टंटिया की बंदूक को उसकी बगल से निकालकर एक तरफ रख दिया। टंटिया भील सुकून से आराम करने लगा, क्योंकि गणपत राजपूत पर उसको पूरा विश्वास था और उसका प्रिय मित्र भी तो था। जैसे ही वीर टंटिया भील को नींद आने लगी तब गणपत राजपूत ने फौज पुलिस को इशारा कर दिया। पुलिस तो पहले से तैयार ही बैठी थी। अचानक चांदनी रात के अंधेरे में टंटिया भील पर धावा बोल दिया गया।
टंटिया अचानक हड़बड़ाहट में उठा और अपने बगल में हाथ फेरा तो बंदूक तो थी ही नहीं। टंटिया के बचे साथियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने भी गोलियां चलाई। ये आवाज़ सुनकर टंटिया के बाहर गए साथी भी टंटिया की तरफ दौड़े। तब तक गणपत के घर को फौज ने चारों ओर से घेर लिया था। खाली हाथ विवश टंटिया भील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी बचे इक्के दुके साथी ऐसी परिस्थिति को देखकर वहां से निकल चुके थे। पुलिस टंटिया भील के हाथ बांधकर ले जा रही थी, पर टंटिया अपने परम मित्र गणपत राजपूत को देखता ही रहा था। साथियों, इस प्रकार रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के आड़ में क्रांतिकारी वीर टंटिया भील को धोखे से पकड़वाया गया। इस कारण टंटिया भील को चाहने वाले आदिवासी भीलों ने रक्षाबंधन को मनहूस माना और रक्षाबंधन से नफरत हो गई। इन आदिवासियों ने प्रण लिया कि हम राखी कभी नहीं बंधवाएंगे और इस दिन शोक व्यक्त करेंगे। हमें भी टंटिया भील की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। अपने आदिवासी भील क्रांतिकारी की याद में हमें रक्षाबंधन के दिन दुख व्यक्त करना चाहिए और वीर टंटिया भील को याद करना चाहिए। यदि उस दिन हमारे क्रांतिकारी टंटिया भील राखी नहीं बंधवाने जाते तो ना ही वो पकड़े जाते और ना ही उन्हें फांसी होती। इस पकड़े जाने के कारण सरकार ने टंटिया भील को 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सज़ा सुनाई और 4 दिसंबर 1889 को अमर शहीद टंटिया भील को फांसी दे दी गई। टंटिया भील की अंतिम इच्छा थी कि उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने दिया जाए, पर सरकार ने उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं की और फांसी पर लटका दिया। हमें हमारे पुरखों शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। साथियों, टंटिया भील की इस कहानी को अपने घर में बीवी बच्चों को ज़रूर सुनाएं और उन्हें जागृत करें। साथियों, सच यही है कि इस रक्षाबंधन से आदिवासियों का कोई संबंध नहीं है और ऐसे मनहूस दिवस को छोड़ने में क्या हर्ज है जिसके कारण हमारा स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील मारा गया। कृपया रक्षाबंधन के दिन राखी ना बंधवाएं, उस दिन भील योद्धा टंटिया भील को याद करें। जय जोहार।